बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जब भी अपना चैनल बनाते हैं उस पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लेते हैं और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी कि एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद उनके एडसेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और एक ही रीजन आता है, रीयूज कॉन्टेंट पॉलिसी। हालांकि इसके लिए कई बार मैंने वीडियो बनाए, इस सवाल को कई बार संडे कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिक किया, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि सर हमने कोई भी वीडियो ऐसा यूज नहीं किया जिस पर कोई कॉपीराइट आया हो, या फिर जो भी हमने वीडियो यूज किया, इमेज यूज की या म्यूजिक यूज किया वो तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाला था, कॉपीराइट फ्री था, तो फिर इस प्रॉब्लम से हम कैसे बचे। तो आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई हम रियूज कंटेंट को यानी जो कॉपीराइट फ्री कंटेंट है उसको यूज करेंगे अपने चैनल पर और मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में आप रियूज कंटेंट को मोनेटाइज करना सीख जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑनली टैग। दोस्तों कॉपीराइट फ्री कंटेंट आप बहुत सारी वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो में, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा। इवन यूट्यूब पर भी आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाले वीडियो मिल जाते हैं। ये एक वेबसाइट है, काफी अच्छी वेबसाइट है और अच्छी इसलिए क्योंकि इसमें कोई साइन अप नहीं करना पड़ता और ना कोई क्रेडिट देना पड़ता है और यहां पर आपको स्टॉक वीडियो, स्टॉक म्यूजिक और वीडियो टेम्पलेट्स जो Adobe Premiere Pro के होते हैं वो भी फ्री में मिल जाते हैं, उनको आप YouTube वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए और आप यहां पे आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है अगर इस तरह के जो क्रिएटिव कॉमन वाले वीडियो होते हैं या फिर कॉपीराइट फ्री वाले वीडियो होते हैं, म्यूजिक होते हैं, इनको जब हम यूट्यूब पर यूज करते हैं तो भले हमें कॉपीराइट ना मिले लेकिन भैया रीयूज कॉन्टेंट की प्रॉब्लम आती है। तो इससे हमें कैसे बच सकते हैं, देखिए आप प्रैक्टिकल समझिए। मान लीजिए ये एक स्टॉक वीडियो का सेक्शन है, मैं यहां स्टॉक वीडियो पे जाता हूं, ठीक है। हालांकि वीडियो आप फ्री का कहीं से भी ले सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, इस वेबसाइट से भी ले सकते हो, ये काफी अच्छी वेबसाइट है। और अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक वीडियो है, ठीक है, ये एक वीडियो है, मुझे ये वीडियो यूज करना है अपने यूट्यूब वीडियो में। तो देखिए वैसे तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि भाई डाउनलोड दिस फ्री स्टॉक वीडियो क्लिप फॉर कमर्शियल और पर्सनल यूज, ठीक है, यानी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड फ्री वीडियो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यह ऑप्शन आएगा, इसको मैं कट कर दूंगा और यहां पे देखिए डाउनलोड होने लग जाएगा, वीडियो हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं म्यूजिक की, तो म्यूजिक में मेरे को जाना पड़ेगा यहां पर ऊपर, म्यूजिक में हम गए, यहां पर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हम देख लेते हैं। तो देखिए ये बहुत सारे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है, यहां पे आप इस पर क्लिक करके म्यूजिक को सुन सकते हैं, तो सुनता हूं मैं थोड़ा, तो यही अच्छा म्यूजिक है, इसको ही मैं डाउनलोड कर लेता हूं। तो यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन है और मैं यहां पे डाउनलोड कर लेता हूं, ठीक है। तो वापस मैं इसको कट करूंगा और यहां पर भी देखिए ये डाउनलोड हो गया है। अब ये ऑप्शन क्यों आता है वही बता देता हूं। देखो ये जो ऑप्शन है ना, इसमें यह है कि आप चाहे तो इनके सोशल मीडिया पे भी इनको फॉलो कर सकते हो ताकि नए नए जो भी ये म्यूजिक या वीडियो जब भी अपडेट करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने म्यूजिक ले लिया फ्री का, वीडियो ले लिया, इसके अलावा क्या टेम्पलेट है, जैसे ये टेम्पलेट है Adobe Premiere Pro, After Effect, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, ये सारे के सारे फ्री में आपको यहां पर मिल जाते हैं, टेम्पलेट भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि भाई रियूज से बचे कैसे। तो देखिए आप गलती क्या करते हो, अभी हमने क्या किया था, एक वीडियो कॉपीराइट फ्री डाउनलोड किया था और एक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड किया था, दोनों को मिक्स करके हम एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो को मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, मैंने बना रखा है वीडियो, देखिए ये एक वीडियो है, इसको आप देखिएगा। अब ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को अगर हम यूज करेंगे अपने YouTube वीडियो में तो अब कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो हमने वीडियो लिया था वो, जैसे म्यूजिक हमने जो लिया था वो भी कॉपीराइट फ्री था, यहीं से हमने डाउनलोड किया था, और जो हमने वीडियो लिया था यहां से वो भी कॉपीराइट फ्री था। अब YouTube ये कहता है कि भाई आपने दोनों को एडिट कर दिया, इसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, और एडिट करने को वो क्रिएटिविटी नहीं मानता है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि भैया जो म्यूजिक होता है, जो वॉइस होती है वीडियो के अंदर, वो भी कॉपीराइट फ्री यूज करते हैं और वीडियो भी कॉपीराइट फ्री यूज करते हैं, उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता लेकिन रीयूज कंटेंट पॉलिसी की वजह से उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए मैंने मान लीजिए वीडियो यहां से लिया, वीडियो मेरा कॉपीराइट फ्री था, अब क्या करना है, आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, जो भी वीडियो है वो आपकी खुद की होगी और उसमें आपका जो वॉइस और होगा वो भी आपका खुद का होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं एक सैंपल, ये मैंने एक वीडियो तैयार किया है, देखिए वही कॉपीराइट फ्री वीडियो है लेकिन मैंने कैसे
कैसे तैयार किया वो सुन लीजिए आप जरा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दुनिया के सबसे सुंदर बीच की, जहां पर जाकर आप अपनी सारी परेशानियां भुला देंगे। तो दोस्तों ये वाला वीडियो तो आपने देख ही लिया, हमने कॉपीराइट फ्री वीडियो यूज किया था इसमें, लेकिन देखिए स्टोरी मेरी थी जो मैंने लिखी और वॉइस और भी मेरा था। अब अगर मैं इस तरह का वीडियो डालूंगा तो मेरा चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, वीडियो में ऑडियो या उसका वीडियो, एक चीज आपकी खुद की होनी चाहिए, यानी कुल मिला के आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए वीडियो में। उस तरह के आप वीडियो डालो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये वेबसाइट काफी अच्छी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका, आप यहां से किसी भी तरह का वीडियो ऑडियो कुछ भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई क्रेडिट देना है और ना ही साइन अप करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि भाई रियूज कंटेंट को हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, कहां तक वो मोनेटाइज हो सकता है और कहां वो मोनेटाइज नहीं होगा और हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह की वीडियो में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।